देहरादून की जो दीवारें हैं वो ऐपण द्वारा सजाई गई हैं, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पसंद नहीं आ रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये तस्वीर देखिए, जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऐपण है, ऐपण के ऊपर एक व्यक्ति जो है वो पेशाब कर रहे हैं। ये कितना दुखद विषय है कि देहरादून स्मार्ट सिटी के अंदर सरकार जो शासन प्रशासन इतना खर्चा करके इतनी जो सजावट है, ऐपण जो हमारी लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ एक कला है, उस कला के ऊपर इस तरह की जो हरकतें, किस तरह की मानसिकता यहाँ पर इन लोगों की दर्शाती है, आप कमेंट में हमें बताइए। आपको बता दूँ कि यहीं परेड ग्राउंड के सामने ही 200-300 शौचालय बने हुए हैं। यहाँ पर 100 मीटर, 200 मीटर और 500 मीटर के एरिया में शौचालय भी हैं, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता है कि जहाँ पर कुछ चीज़ अच्छी दिखे उसके ऊपर ये चीज़ें करने हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पशु में और इंसान में कितना फर्क रह गया, इस तस्वीर को देख के आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। ये कोई एक पहला मामला नहीं है स्मार्ट सिटी देहरादून में, ऐसे कई मामले और भी हो चुके हैं जहाँ पर वॉल पेंटिंग, बहुत अच्छी अच्छी वॉल पेंटिंग सरकार द्वारा बनाई जाती है, कई रुपए खर्च करके ये जो पेंटिंग है वो बनाई जाती है, लेकिन कुछ लोग उन पर कोई पोस्टर चिपकाता है, कोई गुटखा खाकर थूक लेता है, तो कोई इस तरह की जो हरकतें हैं वो यहाँ पर करते हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये जो ऐपण द्वारा जो ये कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है सही जगह पे, या जो ये लोग कर रहे हैं ये इनके लिए ये गलत सही जगह है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पवित्र हवन कुंड भी बनाया गया है, साथ ही जो पवित्र कलश हैं वो बनाए गए हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड की संस्कृति है, रम्भाण जो विश्व धरोहर है, उसके भी जो चित्र हैं यहाँ पर उकेरे गए हैं ऐपण कला के द्वारा, जहाँ पर उकेरे गए हैं। लोग बड़ी मेहनत से ये छोटी छोटी बारीक बारीक जो चित्र हैं वो बनाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें यहाँ पर करते हैं। इनके लिए आप क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एक बात और बता दूँ मैं आपको कि ये जो तस्वीर है ये DM और जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी है उन तक भी पहुँच चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई इन पर नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन इस पर कब तक अपनी चुप्पी बनाए रखेगा? इस तरह के यहाँ पर क्या कोई CCTV कैमरा नहीं होने चाहिए जो इस प्रकार की, जो इतनी मेहनत से ये जो कलाकृति इन दीवारों पर ये वॉल पेंटिंग बनाई जाती है और उसके बाद इनका नतीजा ये होता है कि लोग इस पर इस तरह की हरकतें करते हैं। यहाँ पर कई लोग आते जाते हैं, लोग बहुत प्रशंसा इन तस्वीरों के कर रहे हैं कि ये नया प्रयोग है जो ऐपण कला है उसके लिए, ये नया प्रयोग है कि यहाँ पर देहरादून की दीवारों पर अब वॉल पेंटिंग के रूप में जो ऐपण कला है वो भी अब बिखेरी जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशी का माहौल है, लेकिन समाज के कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके द्वारा ये कृत्य किए जाते हैं। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ऐसे लोगों को सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।